संक्षेप में करता हूँ। मैं आचार्य ब्रह्मचारी नंद किशोर गुरुकुलों से शिक्षा प्राप्त करके आर्य समाज के प्रचार प्रसार के लिए भारतवर्ष में घूमता रहता हूँ, विदेश विदेश में भी जाता रहता हूँ। डॉक्टर सत्यकेतु विद्यालंकार जो गुरुकुल कांगड़ी के कुलपति थे, उनके साथ मिलकर मैंने आर्य समाज के इतिहास के लिए जो 7 भागों में प्रकाशित हैं, यत तत सर्वत्र मैटर दुर्लभ सामग्री पड़ी हुई थी, उसको एकत्र करके 7 भागों में प्रकाशित किया गया है, उसको आप देख सकते हैं। आर्य समाज के इतिहास की ही तरह हजारों विद्वानों ने लाखों पृष्ठ में वैदिक साहित्य का सृजन किया है। यत तत् स्रोत बिखरी पड़ी है, इस मैटर सामग्री दुर्लभ सामग्री को एकत्र करके पुनः हजारों खंडों में प्रकाशित किया जा सके, इसके लिए मैं प्रयत्नशील हूं। देश विदेश के आर्य महानुभावों से, बंधुओं से प्रार्थना है कि आप आर्य समाज के इतिहास की तरह जो 1000 पृष्ठों में लिखी गई है, उसी तरह से हजारों खंडों में यह सामग्री पुनः प्रकाशित हो, जिससे देश विदेश के विद्यार्थी रिसर्च कर सके, शोध कर सके। मेरी यही प्रार्थना है, मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप लोग तन मन धन से अपने माता पिता किसी मित्र की स्मृति में 500 1000 पृष्ठ छपवा कर 1000 खंड बनाया जा सके और दुनिया के सामने पता चले कि आर्य समाज ने इतना बड़ा कार्य किया है। तो सभी सज्जनों से प्रार्थना है कि आप इस मैटर सामग्री जो पुनः मुद्रित की जा रही है, उसमें तन मन धन से सहयोग करें, या कोई विशेष संस्था अपने हाथ में ले, उनका आप सहयोग कर सकते हैं। किसी तरह से यह दुर्लभ सामग्री जो लाखों पृष्ठ की लिखी गई है वैदिक विद्वानों द्वारा, वह पुनः प्रकाशित हो। आपसे प्रार्थना है कि इसमें तन मन धन से सहयोग करें। धन्यवाद। ठीक है।